नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के रहने वाले एयरफोर्स के जवान की दिल्ली में दुर्घटना के दौरान असमय मौत हो गई। दुर्घटना दो दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली में हुई। इसके बाद जवान का पार्थिव शरीर रीवा जिले में स्थित उनके गृहग्राम लाया गया है। जवान के मौत की खबर के बाद से परिवार सहित पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। गांव में पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद आज सुबह पूरे सैनिक सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया। जानकारी के मुताबिक जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम बंधवा भाई बाट निवासी लवकेश सिंह सेंगर पिता नागेंद्र सिंह भारतीय वायु सेना में जवान थे। लवकेश वर्तमान में दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जहां बीते दिवस हुए दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। लवकेश के निधन की खबर एयरफोर्स अधिकारियों ने स्थानीय जिला प्रशासन की मदद से उनके परिजनों को दी, जिसके बाद जवान का पार्थिव शरीर दिल्ली से प्रयागराज होकर रीवा नईगढ़ी लाया गया है। गांव में सेना के जवान लवकेश सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचते ही लोगों की आंखें नम हो गई। उनकी इस अंतिम विदाई में प्रयागराज की बमहरौली से एयरफोर्स के 30 लोगों की टुकड़ी भी रीवा पहुंची है, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ सेना के जवान लोकेश सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। नईगढ़ी के भंधवा भाई बाट गांव में हुए एयरफोर्स जवान के अंतिम संस्कार में स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी भी अंतिम विदाई देने पहुंचे थे, जहां भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी मौजूद रही। अनुचित वाले बाजू शस्त्र